ओके तो हम कुछ टाइम बाद मिल रहे हैं, लगभग 4-5 दिन हो गया जब लास्ट वीडियो मेरा आया था, और बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, थोड़ा पर्सनल काम और फिर एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। खैर उन सब बातों को छोड़ो, टाइटल तुम्हें पता ही है इसमें हम क्या करने वाले हैं। इस गाने की रिक्वेस्ट तुम लोगों ने नहीं करी, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इस गाने को रिकमेंड किया। उनका ये कहना था कि भाई ये कुछ डिफरेंट है और इसका वीडियो भी मतलब अमेजिंग है, फीलिंग वाला है। और जैसे कि हम रिएक्ट कर रहे हैं एक अंडररेटेड या फिर स्लैश में या फिर एक न्यू आर्टिस्ट के गाने को, तो अगर आप भी न्यू आर्टिस्ट हो तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो और फिर हम देखते हैं। कुणाल मलिक का ये गाना है, JSB का म्यूजिक है, आर्टिस्ट स्टेज करके ये चैनल है, आर्टिस्टान एक चैनल है जिसमें जो रागा लोगों का है, बाकी ये आर्टिस्ट स्टेज करके है। गाने का नाम है माही आजा, माही आजा, माही मेरे को भी कोई माही मिल जाए। Welcome to my channel, the Sean says, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe right now and get the buzz also when you get connected. You know me, any video from my channel, तुम्हें लगा वैसे मैं नंबर आप गॉड है। तो बात यह है कि मैं चश्मा लगाना भूल गया हूँ, जब तक चश्मा नहीं लगाऊंगा मैं गौर से देख कैसे पाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है चश्मे का लेंस कितना है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है मेरे चश्मे में। तो फटाफट गाना चालू करते हैं और वीडियो देखते हैं बिल्कुल बारीकी से। तो प्ले करते हैं और खाली मैं नहीं तुम भी इस गाने को जज करो और बताना फिर कॉमेंट में कैसा है ये गाना। और अगर ये बेकार निकला ना मैं अपने दोस्त को धोप दूंगा। तेरे लिए लिखी है दिल की बातें, तेरे लिए चलती है मेरी सांसें, अपने वादे तोड़ निभाने सपने जो देखे सारे साथ बिताने, तुम आइया किस्मत दे नाल तू मैनू दिख गई और किस्मत दे नाल ही मिलना तुम आइया मिल जाए। हम तो आस छोड़ चुके हैं भाई, अभी भी शायद आस में है। तुम भी बताओ जरा किस किस को आस है कि माही उनकी जिंदगी में वापिस आएगी। मेरे में वापिस का सीन नहीं है, मेरे में तो ये माही है ही नहीं सीन में। मुझे तो पहले माही को सीन में लाना है, फिर वो मुझे छोड़ के जाएगी और फिर मैं ऐसे गाने बनाऊंगा जिसमें मैं बोलूंगा कि माही वापिस आ जा। वैसे जो मेरा नेक्स्ट गाना आ रहा है वो ऐसा ही है थोड़ा, मतलब है थोड़ा रिलेशन यही है, लेकिन उसमें मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पा रहा हूँ, वो उसके ऊपर मैंने गाना लिख दिया है। तो वो भी आएगा, वो तो चलो बाद में आएगा, लेकिन अभी हम इस गाने की बात करेंगे। टू बी ऑनेस्ट जो ये बंदा है कुणाल, जिसने ये गाना लिखा भी और गाया भी है, वॉइस टेक्सचर बहुत बढ़िया है इस बंदे का। आई एम अपने बारे में मतलब क्या ही बताऊं, फिर क्या ही तारीफ करूं। आई डू राइट सॉन्ग्स, आई डू रैप, आई डू सिंग, राइट। तो
जो इसकी सिंगिंग थी उसको मैं थोड़ा बहुत जज कर सकता था। तो जो वो खींच रहा था ना, वो ये माहिया जो खींच रहा था वो इतना साफ था। फिर जो दूसरा, जब दूसरा माहिया के बाद वो जो दूसरी लाइन गाता है उसमें भी जो मुर्खियाँ तो नहीं बोलूँगा लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत जो छेड़खानी कर रहा था वो बहुत सही था। लिरिक्स बहुत अच्छे थे और एक तरीके से माही को वो चाहता है आ जाए। आई डोंट नो मैन, किस किस की माही कहाँ कहाँ पे रुकी हुई है, मेरे पास तो किसी की माही नहीं रुकी हुई है। एक टाइम था जब मैं भी लोगों की माही अपने पास रोक लेता था। ये खाली इंटेलिजेंट लोग समझ पाएंगे बात को। मुझे इसका ऑडियो बहुत अच्छा लगा, वीडियो भी अच्छा था। वीडियो अगर क्या होता है कि जितना आप पैसा ज़्यादा लगाओगे ना उतना वीडियो बहुत बढ़िया होता रहेगा, राइट। अगर ये एक हाई लेवल वीडियो भी बनता इस ऑडियो के साथ, इट वुड हैव लुक मोर अमेजिंग। अभी भी गाना बहुत सही है, बहुत सही है, लेकिन ऑडियो इसका इतना मुझे अच्छा लगा कि इसका वीडियो को और बेटर बनाते, और बेटर होता तो ये बहुत सही हो सकता था। और बेटर एज इन मतलब क्या होता है कि उसके लिए मेरे ख्याल से ये बंदा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। इंडिपेंडेंट क्या मतलब, ये स्टार्टिंग आर्टिस्ट है, राइट। तो अगर इसको टी सीरीज बनाता है, फिर सोनी म्यूजिक बनाता फॉर एग्जाम्पल, राइट, इस वोकल को, इस ऑडियो को, इस एम पी थ्री को, ये और ज़्यादा बूम कर सकता था। I loved it, I liked making reaction on this song। मैं इसको थम्स अप दूंगा। और जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था जिसने मेरे को रिकमेंड किया उसको मैं धोप दूंगा नहीं, उसको बोलूंगा धन्यवाद ब्रो। और तुम लोगों को भी अगर ये रिएक्शन अच्छा लगा हो तो मतलब बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा ये गाना लगा। इस गाने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये रिएक्शन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। मतलब अगर तुम सोच रहे हो तुम गाना नहीं शेयर करोगे तो ये वीडियो शेयर कर दो यार, गाना अच्छा लगा ना तुम्हें तो ये वीडियो शेयर कर दो। अगर मुझे कोई ऐसी चीज चूज करनी हो इस गाने में कि जो सबसे बढ़िया थी, तो मैं बोलूँगा उस बंदे की आवाज़, जो वोकल्स थे। क्योंकि देखो म्यूज़िक दिया है अपना JSB भाई ने, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, पर इसमें अगर म्यूज़िक मतलब इसमें अगर और भी लो कर दो ना और खाली वोकल होता तो मेरे हिसाब से इस गाने के वोकल्स थे। कई बार ऐसा होता है कि वोकल्स होते हैं लेकिन एक तरीके से म्यूज़िक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इस गाने में आई बिलीव वोकल वर डूइंग द जॉब। तो म्यूजिक का लेवल अगर और लो भी होता ना, लेवल एज इन अगर म्यूजिक का वॉल्यूम भी लो होता ना, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये गाना, ये बंदा के जो लिरिक्स और इस बंदे की जो आवाज़ थी वही इस गाने को आगे तक ले जाता। बाकी जो भी मेरा पर्सनल काम था, जो भी मतलब जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, वो रीज़न अब दूर हो चुके हैं। तो अब मैं आपसे जल्दी जल्दी मिलने आऊँगा, और साथ ही साथ कोई नया गाना भी नहीं आ रहा था। नहीं तो तुम बताओ कोई गाना आया नया? नहीं आया यार। अब जैसे जैसे गाने आते रहेंगे मेरे रिएक्शन आप लोगों को मिलते रहेंगे, और मैं आप लोगों से मिल जाऊंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सो होल्ड मी अगेन, जो तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग ब्रो।